मतलब वो क्या है? अरे सुन, क्या हुआ? ये तो बोल, अरे बोल के तो जा। ब्रेकअप मतलब? मैं इसको फ़ोन नहीं उठाया इसलिए बहुत बहुत बोला मुझे। तुमने बताया नहीं तुम्हारे? नहीं, मुझे एक्सप्लेन ही नहीं करना है। तुम बता सकते हो? वो समझेगा तो नहीं, उल्टा से मुझे बोलेगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसकी, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है उसके लिए। छोड़ो ना, एक्चुअली यू नो रुशा, आई एम नॉट सैड एक्चुअली। आई एम नॉट सैड, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बोला तो तुम्हें पहले। अरे बॉयफ्रेंड ऐसा हो कि केयर करे कुछ, समझे होता है। वो तो है ही नहीं ऐसा, बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है वो। मुझे नहीं चाहिए उससे गर्लफ्रेंड। मैं नहीं जानती, सीरियसली मैं नहीं जानती। मैंने तुम्हें बोला ही था पहले इससे, तुम दोनों बहुत डिफरेंट हो और अलग हो। मैं बहुत गलत थी उसके साथ, मुझे लगता है। तो फिर कुछ ऐसा ही होगा। कल जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया था ना, तब तो देखा बोल रहे हैं पता है तुम्हें, उषा के फ़ोन तो एक मिनट से झटक से तुम रिसीव कर लेते हो और मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे ऐसे बात कर रहे हो। तुम्हारा फ्रेंड है ना वो, ऐसा है वो। हर कोई एक नहीं होता, मेरा फ्रेंड है तुम, इसका मतलब ये नहीं मैं भी ऐसे हूँ। तो तुमको नहीं बोल रही हूँ। सुनो, मैंने पहले ही बताया था, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर यू। तुम जिस रिलेशन में खुश नहीं हो, उस रिलेशनशिप में रहने का कोई फायदा ही नहीं है। डोंट बी आई नो, मैं बोली ना मैं सैड नहीं हूँ, मैं एक्चुअली सैड नहीं हूँ। जो मुझको समझता ही नहीं तो उसका क्या जरूरत? एक्चुअली उसमें बहुत रूडनेस है और बहुत एटीट्यूड है। तुमने तो देखा। हाँ, कितना कितना टाइम देते हो मुझे? मैं अकेली हूँ, अकेली ही रहती हूँ रिलेशनशिप के जाने के बाद। छोड़ो इसके बारे में बात। अरे मेरा वहाँ पे एक दुकान है, किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है। उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया, तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे रब्ता, कुछ तो है तुझसे रब्ता। और बोल क्या हाल चाल है? हेलो सुन ना, तुम यहाँ पे आ सकती हो? कहाँ पे? तुम्हारे पीछे देखो प्लीज, एक बार आओ। क्यों मुझे अकेली छोड़ दो ना, प्लीज एक बार मेरे लिए। आता रखो। बात ये नहीं कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, बस तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहते। समझ में नहीं आए। अरे उषा सुन, यहाँ पे क्या कर रही है? अरे यार अरुण, तू आ थोड़ी, उसके साथ मुझे बात है। क्यों? तुमसे कुछ पर्सनल बात है, तुम आओ। अच्छा ठीक है, चलो मैं बाद में मिलना। हाँ बाय टाटा।
अच्छा सुन ना वहाँ पे, हाँ बोल क्या हुआ? कहाँ थी सुबह? ओ आज एक्चुअली मेरे रिहाना के साथ कुछ प्लान था। पहले तो सुन, सुबह से ना कॉल ना एसएमएस। अरे कहाँ थी तू? बोला ना मुझे रिहाना से, रिहाना के साथ कुछ प्लान था तो हम लोग गए थे घूमने। कौन? रिहाना। रिहाना तूने फिर उसके साथ घूमना स्टार्ट कर दिया? फिर मतलब मैं तो हमें आई मीन हमेशा मैं जब से उसे जानती हूँ उसके साथ ही घूमती हूँ। मैं तेरी भलाई चाहता हूँ, ओके? भलाई मतलब तेरी भलाई इसमें है कि तुम उसके साथ मत घूमो, ओके? बट क्यों? उसके साथ तेरा तुम्हारी भलाई है। सुन, उसके साथ तेरा रिलेशन एंड हुआ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, हम दोनों फ्रेंड है और हमेशा रहेंगे। नो, हर वक्त जब देखो फेसबुक इंस्टाग्राम पे कैसे कैसे पोस्ट करते रहते तुम? कैसे पोस्ट किया? हम दोनों का पिक ही तो पोस्ट किया। नेचुरल थिंग। ओह माय गॉड, इट्स नॉट नेचुरल। बाहर जाके देखो लोग क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। मतलब क्या कह रहे हैं? मतलब सब सोच रहे कि तुम दोनों लेस्बियन हो। क्या? हाँ, अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुम दोनों लेस्बियन हो। तुम पागल हो क्या? क्या सुन अब पांच लोग ये कह रहे, तो अब ये बात जब तुम्हें मम्मी पापा को पता चलेगा क्या होगा? हाँ क्या बोल रहे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हम दोनों जो फ्रेंड्स हैं, तुम कुछ और टॉपिक ले रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि उससे मत मिलो, वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। मतलब टाइप? व्हाट टाइप? तुम्हारा टेस्ट क्या चेंज हो गया? तो मेरे साथ घूमती थी तो अब भी मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ। कैसे? तो कैसे फोन एसएमएस कुछ नहीं? यार मैं बिजी हूँ। पांच लोग क्या कह रहे हैं तुम सोचो पहले। कौन पांच? तुम्हें पता है मुझे कोई दिलचस्प नहीं है कौन क्या कहता है। मुझे उसके बारे में मत सोचो, अपने मम्मी पापा के बारे में सोच। तुम क्या बोल रहे हो यार? नो, तेरा टेस्ट चेंज हो गया। कैसा टेस्ट? अब तो मुझे भी लगने लगा कि तुम दोनों लेस्बियन हो। तुम्हारे दोनों का जो चल रहा है बीच में उस पर कोई फ्यूचर नहीं है, ओके? एक गर्ल से कभी लाइक नहीं कर सकती। कुछ समझ रहे हो? यहाँ घुसा लो। नो, इट्स नॉट मेक एनी सेंस। तुम पहले से बहुत बदल गई हो। अगर तुम बदलोगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट मुझ पर ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ, ओके? तुम बहुत बदल गए हो उषा। अकेले में सोचना मेरा ये बात, ओके? नीट अ डॉक्टर। आई थिंक यू मेंटली सिक। क्या? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, ओके? दोनों लड़कियों के बीच प्यार नहीं हो सकता, तुम्हें पता है। कॉलेज में क्या लड़का कम पड़ गया जो तुम उसके साथ घूमती फिरती हो? हाँ, मैंने पहले भी बोला और अब भी बोल रहा हूँ, खुद की नहीं तो घर की सोचो, मम्मी पापा के बारे में सोचो। वो क्या सोचेंगे जब ऐसा कुछ? सोसाइटी के बारे में सोचो, पांच लोग क्या कहेंगे, पांच लोग क्या सोचेंगे? कभी सोचा है जब ये बात घर पे पहुँचेगा क्या होगा, तुम्हारे मम्मी पापा का हाल क्या होगा? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। छी, घिन आती है मुझे। कैसे टाइप को हो तुम? क्या कहते तुम जानते हो मेरे फ्रेंड कि मैं एक लेस्बियन का फ्रेंड हूँ। मेरा चॉइस इतना खराब नहीं है रुषा, तुम क्यों ऐसे हो गई? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दिया। मेरा चॉइस आज के बाद मुझसे कॉन्टेक्ट करने का कोशिश भी मत करना। क्या बोल रहे हैं वो? नो, मेरा गर्लफ्रेंड मुझको धोखा दे ये मान सकता हूँ, लेकिन तुमने ऐसा कॉन्टेक्ट करने का कोशिश भी मत करना आज से। बाय। मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी तेरी याद।
आज के बाद मुझसे कांटेक्ट करने का कोशिश भी मत करना। चंद लम्हा